तीन बातें हैं। एक ये कि पहला आश्रम यानी पहले 10 दिन एक से लेकर 10 तक अल्लाह की रहमत। और याद रखिए हर अच्छी बात की जड़ और बुनियाद रहमत है। अगर अल्लाह का रहम न हो, अल्लाह का करम न हो, अल्लाह की मेहरबानी न हो, अल्लाह की अता न हो, अल्लाह की बख्शिश न हो, तो हमारी जुबान से एक मरतबा कुरान का एक हरफ नहीं निकल सकता, हमारा एक कदम मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ सकता। सारी नेकियों की जड़ और बुनियाद अल्लाह की है। क्यों भाई? इसी दुनिया में, इसी शहर में ऐसे लोग भी तो हैं कि जो मिठाई की पूजा करके अपने आप को जिंदा करना चाहते, कोई बुराई कोई तकलीफ नहीं। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं कि काहे काहे की पूजा करते हैं, हम मस्जिद में झंडे नहीं जुबान से अदा कर सकते। ये नहीं है दुनिया ऐसा। और हमको अल्लाह पाक ने किसी राजा के सामने नहीं झुकाया, किसी महाराजा के सामने नहीं झुकाया, किसी सरकार के सामने नहीं झुकाया, किसी मम्लकत के सामने नहीं झुकाया। हर पान चाहे जहाज पर हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे पानी पर हो, एक अल्लाह के सामने नहीं झुका। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत। अगर ना होते तो अल्लाह जाने क्या कहाँ से कहाँ पड़े होते, कुछ पता भी ना होता। हर एक खुलचे पर मुंह डालना ये हमारी फितरत होती। जाइए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चलिए वो कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकना। और कैसे झुकना, किस तरह झुकना, अगर वो खाने पीने को मना करते हैं रुक, अगर वो खाने के लिए कह दें तो खाने में लग जाना, अगर वो बैठने के लिए कहें तो बैठ जाना, अगर वो खड़े होने के लिए कहें तो खड़े हो जाना, अगर वो जमीन के ऊपर सर डालने के लिए कहें तो डाल देना, उन्हीं का हुक्म चले। ये जो लोग नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं तो बेचारे छोटी सी गली, पूरी दुनिया में ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। अव्वलुहु पहला आश्रा जो है वो अल्लाह की रहमत। रोजे रखना शुरू किया, मैं डरके छोड़ पकड़ सकता और पूरी दुनिया को चैलेंज करके आज कल कर भी पड़ रहा और लू के थप्पड़ मुंह में पड़ रहा। और माशाल्लाह मुसलमान बच्चे भी जवान भी बूढ़े भी सब रोजे की हालत में। कभी आपको कोई खबर मिली कि फलाने सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से रोजा तोड़ दिया, कोई खबर किसी को मिली इस तरह कुछ नहीं। अगर ऐसी बीमारी के डॉक्टर कह रहे हैं कि रोजा तोड़ो, या रोजा तोड़ने के बजाय कोई और उसका तदारुक नहीं, जैसे शुगर के मरीज को शुगर खत्म होने लगे तो क्या जल्दी से शुगर, ये तो दूसरी चीज। इसका सबब रोजा नहीं है, इसका सबब शुगर। रोजा माशाल्लाह सब 42, 43, 44, 45 टेम्परेचर और बढ़ता चला जा रहा। और किसी मैंने तो भाई नहीं सुना, 500 लोग से रोजाना मुलाकात होती कि किसी ने हल्के शिकायत जुबान बताया कि अल्लाह के नहमत दुनिया में तो और मजहबों में भी रोजे हैं, कैसे रोजे वो जाने कैसे रोजे, लेकिन ना पानी जाए मुँह में, ना खाना जाए मुँह में, और ना वजू करने में कुल्ली इतनी मुबादले से की जाए कि हलक के अंदर करीब पहुंचे, बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है कि रोजे में गरारा नहीं है और गरारा करना मकरूह है, हलक में कोई करीब ही ना जाए, ये कोई ऐसा सिर्फ मुसलमान हम बोलूँ। पहला आश्रा जो है वो रहमत ही रहमत है। अब आगे बात में इंशाअल्लाह बताएंगे कल, ताकि बात लंबी ना हो। सुभान अल्लाह।
لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر کے اپنا علاج کر رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھ کر کے گلی گلی سڑک سڑک شہر شہر دیہات دیہات آپ کے دین کو پہنچانے کے لیے بے سر و سامانی کنارے کشت کر رہے ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب پر رہے اور اے اللہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہر وقت آپ کے رہیں گے آپ کے کرم کے محتاج اے اللہ اپنے کرم سے جو باتیں جو کام ہمارے رکے ہوئے ہیں ان کو تمام فرما دے اے اللہ آپ اس مضبوطی کے ساتھ ان کو انجام تک پہنچا دے اے اللہ ہماری مسجدوں کو آبادی نصیب فرما دے اے اللہ ہماری مسجدوں کو آبادی نصیب فرما دے سب لوگ مسجد میں آئے مسجد میں آ کر کے اے اللہ ہم سب مسجد میں احترام کریں اور اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے صلحہ والی زندگی اکابر والی زندگی صحابہ والی